क्या एग्जाम के बाद इमीडिएटली क्लासेस बाद हम हमारा एकेडमिक सेशन जल्दी शुरू हो जाएगा। वी आर प्रिपेयर्ड, हमने अपने टाइमलाइंस फिक्स किए हुए हैं। विल बी स्टार्टिंग क्लासेस आफ्टर द एंड ऑफ द एग्जाम। सर यहाँ पे कंप्लेंट्स, पेरेंट्स कह रहे हैं कि सेशन दिसंबर में खत्म हुआ प्रैक्टिकली, फिर विंटर वेकेशन होगी और अब एग्जाम चल रहे हैं, तो व्हाई प्राइवेट स्कूल आर चार्जिंग दिस सेशन? दिसंबर में खत्म नहीं, हमारा मावी हैव शिफ्टेड टू, ये इनिशियल पिकअपस आ रहे हैं, हमने ये सेशन खत्म हो जाएगा आफ्टर एंड ऑफ द एग्जाम। सर विल यू क्लेरिफाई, कैन प्राइवेट स्कूल्स चार्ज द फी फॉर जनवरी फरवरी मंथ, ये मार्च मंथ? देखिए उनके अपने जो पिछला हमारा सिस्टम था उसमें वो नहीं चार्ज करते थे, क्योंकि अब ये सिस्टम स्कूल्स बंद थे, वो सपोज वहाँ लाइब्रेरी फंड वो लेते थे, कंप्यूटर फी लेते हैं, वंस इट हैज नॉट बीन यूज्ड तो वो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन विज़ाविज़ सैलरी एंड वगैरह वो उनको देना पड़ेगा। सर डायरेक्टरेट क्या वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी हमें वो सर्कुलर दिया है, वी हैव डिसमिनेटेड दैट सर्कुलर इन ऑल आवर ग्रुप्स, ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैव बीन ऑलरेडी इन्फॉर्म अबाउट इट, हाउ दे हैव टू अप्लाई, हाउ दे हैव टू रजिस्टर और किस तरह वहाँ। बच्चों को अवेयरनेस नहीं है, बच्चों के लिए हम अवेयरनेस करने, अगर आप मेरा ग्रुप देखेंगे इसमें ऑलरेडी वी हैव फ्लोटेड सच मैसेजेस। सर देयर रेस्ट्रिक्शन, नो कंप्लीट बैन ऑन चार्जिंग दिस एडमिशन व्हिच इज डोनेशन हम कहते हैं या कैपिटेशन, सर प्राइवेट स्कूल्स फिर डिस्पाइट रिपीटेड इंस्ट्रक्शन सर्कुलर इंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स फिर भी प्राइवेट स्कूल्स को चार्ज करें 80,000? जहाँ जहाँ हमें रिटर्न कंप्लेंट आएगी वहाँ वी विल डेफिनेटली एक्ट टफ अगेंस्ट दोज हु आर चार्जिंग ये एनुअल फी। व्हाई शुड दीज पेरेंट्स हैव टू कंप्लेंट सर, एनी फोन नंबर आर एड्रेस? वो ZDO CO या डायरेक्टरेट के पास रजिस्टर्ड, हमारे जो श्रीनगर में हमने किसी को रजिस्ट्रेशन नहीं दी हुई है, नीदर फी हैज बीन फिक्स्ड फॉर देम, आई डोंट नो हाउ दे चार्ज्ड और वो कैसे एस्टेब्लिश है, हमारी तरफ से किसी कोचिंग सेंटर को रजिस्ट्रेशन। माय लास्ट क्वेश्चन इज सर, 2019 के बाद सर हर कोई सेंट्रल लॉ यहाँ पे जो अमेंडमेंट्स आई, जो चेंज आए, वो हर कोई लॉ इम्प्लीमेंट हुआ एक्सेप्ट RTE प्रैक्टिकली, क्योंकि अंडर RTE ही सर प्राइवेट स्कूल्स को 25% एडमिशन रखना है रिजर्व फॉर पुअर स्टूडेंट्स, सर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है सर? नहीं, और देखिए मुझे लगता है हमने डिटेल्स जहां से भी मांगी वो बोलते हैं वी आर ऑलरेडी गिविंग एडमिशंस एज पर, तो परसों ही मैंने एक स्कूल प्राइवेट स्कूल से इन्फॉर्मेशन मांगी तो उन्होंने डिटेल्स दे दी, नाउ दैट डिटेल्स आर टू बी सीन, अगर उसमें कोई गलती पाई गई तो हम देखेंगे उसमें। थैंक यू।